और एक दो साथ और पकड़ लू पकड़ी आज जहां हमने प्रीतनगर जो संजय नगर एक्सटेंशन भी है इसकी इनॉग्रेशन की है। यहां पे पिछले दिनों हमने कुछ ड्रेनेज और लेन्स बनाई, उसके साथ ही ये लुक्स का काम भी आज ब्लैक टॉपिंग का काम आज हम शुरू करेंगे और इसमें जितने भी तीन चार गलियां हैं सब में यहां पे लुक डाली जाएगी। और ये मैं सबको ये आज इस मौके पे इनको मुबारक देना चाहता हूं कि जो इनकी डिमांड थी पिछले काफ़ी समय से वो हमने इनकी सारी डिमांड पूरी कर दी है। लेन्स ड्रेन और जो रोड जो ब्लैक टॉपिंग करनी थी वो भी आज हम शुरू कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी जो लेन्स हैं ये बिल्कुल सही बना के इनको दी जाएंगी। इसके अलावा और भी इधर कोई काम होगा, जैसे इन्होंने कुछ बता रहे थे कुछ स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द, आज ये जो है लॉकडाउन की वजह से कुछ काम जो है वो डिले हो रहे हैं, लेकिन हम अभी ये लॉकडाउन हटता है जो दूसरी स्ट्रीट लाइट और बाकी के काम कोई और भी होगा हम वो उसको पूरा कंप्लीट करके इन लोगों के हवाले करेंगे। और मुझे मेरा ख्याल है कि जो अभी काम हो गया है इससे तकरीबन 95% जो काम है इस इलाके का वो अभी डेवलपमेंट हो चुकी है और एक अच्छी गलियां इनके हवाले की हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहूँगा कि वैक्सीन जो है वो हमारे संजय नगर में कैंप लगा हुआ है, जो भी हमारे 45 साल से ऊपर लोग हैं वो वहाँ पर जाके टीकाकरण करवा सकते हैं। और जो नीचे वाला है मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 18 साल से ऊपर 45 साल से नीचे का भी जहां पे कैंप लगाया जाए और जो बाकी जहां पे यूथ है हमारे बच्चे हैं वो भी वो जो टीकाकरण कर सके। और मैं ये सलाह दूंगा कि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। शुक्रिया। जय हिंद। जय भारत।